वेलकम बैक टू बड़ा बिजनेस प्रेजेंट्स हॉर्सेस टेबल। जो जीता वही सिकंदर। किसी भी छोटी से छोटी मेडिकल इमरजेंसी होने पर हमारी तकलीफ और बढ़ जाती है। एम्बुलेंस बुलाना, हॉस्पिटल के चक्कर लगाना और अपॉइंटमेंट्स लेना, इस सब प्रोसेस से परेशान हो जाता है बेचारा आम इंसान। इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आ रहे हैं हमारे नेक्स्ट स्टार्टअप। प्लीज वेलकम स्पंदन। हाय हॉर्सेस, मेरा नाम रजत है, मैं सनफोक्स टेक्नोलॉजीज़ का फाउंडर हूँ। हम लोगों ने विश्व की सबसे छोटी 12 लीड ECG मशीन विकसित की है, डायग्नोस करने के लिए दिल की बीमारियों को। जो प्राइमरी मशीन यूज करते हैं उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी मशीन या EKG ECG बोलते हैं। तो ECG मशीन्स को जो इन्वेंट किया गया था वो ऑलमोस्ट 100 ईयर्स से पहले इन्वेंट किया गया था, बट इतना सारा डेवलपमेंट होने के बाद भी पिछले 100 ईयर्स में ECG मशीन्स आज भी हॉस्पिटल्स या टर्शरी केयर फैसिलिटीज तक ही लिमिटेड हैं। सेकेंडली, आपको जो ECG मशीन्स होती हैं उनका जो रिजल्ट आपको मिलता है वो आपको पढ़ने के लिए एक एक्सपर्ट या मेडिकल कार्डियोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। सो हम लोगों ने सिर्फ एक 12 ग्राम की मशीन डेवलप की है। आप देख सकते हैं ये सबसे हल्का मशीन है जो कि आपको मेडिकल ग्रेड एक्यूरेसी दे सकता है। इट वर्क्स विदाउट बैटरी, विदाउट रेडिएशन, देर इज़ नॉट इवन अ सिंगल बटन ऑन द डिवाइस। यू जस्ट नीड टू प्लग इन टू योर स्मार्टफोन एंड सीधे इंस्टेंटली आप उस पर रिजल्ट्स ले सकते हैं। इसको यूज करने के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आपको डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, या नॉन मेडिकल पर्सन या लेमैन की अगर हम लोग बात करते हैं तो हो सकता है कि दे डोंट अंडरस्टैंड द रिजल्ट्स। सो वी यूज अ एज बेस्ड AI ड्रिवन एप्लीकेशन जो कि आपको इंस्टेंट इंटरप्रिटेशन दे देगा, इवन आपका कनेक्टिविटी में नहीं है। सो हम लोगों ने अभी तक 1500 से ज़्यादा क्लिनिक्स को और द लास्ट माइल यूजर्स को एम्पावर किया है, एंड इट्स अ मैटर ऑफ ऑनर फॉर अस दैट वी हैव बीन अप्रिशिएटेड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी। तो दिस मशीन इज एज गुड एज अ कमर्शियली अवेलेबल मशीन। अगर आप किसी भी गोल्ड स्टैंडर्ड मशीन को बेंचमार्क करते हैं तो आपको 12 लीड के अगेंस्ट 99.76% की एक्यूरेसी इसमें मिलेगी, जो कि सबसे अफोर्डेबल प्राइस में आता है। आई एम आस्किंग फॉर 1.2 करोड़ हियर अगेंस्ट 20% ऑफ द डिस्काउंट ऑन द नेक्स्ट राउंड। हम लोगों ने अभी तक ऑलमोस्ट 4.5 करोड़ रेज किया है। हमारा रिवेन्यू इज टचिंग ऑलमोस्ट 1 करोड़। अपार्ट फ्रॉम द फंड्स, मैं मेनली आपसे मार्केट एक्सेस और हाउ आई कैन एक्चुअली क्रिएट एन इम्पैक्ट to reach a lot of people, to create a deeper penetration. This is what I'm looking for. Thank you so much. आपका ये price point क्या है इसका? अभी हम लोग low volume production करते हैं। हम लोग 10 अभी हटा रहे हैं, जो कि 8000 रुपये में हम लोग इसको लेके आ रहे हैं, जो स्टैंडर्ड मशीन से आप कंपेयर करेंगे। बट हम लोग इसके दो और वर्जन रिलीज़ करने वाले हैं, एक लाइट वर्जन जो कि मोस्टली मासेज के लिए डेवलप्ड है, और एक एडवांस वर्जन जो कि इट विल अगेन रिमूव 1 more 0 फ्रॉम दिस एंड इट विल बी अवेलेबल स्पेसिफिकली फॉर द क्लिनिक्स एंड डायग्नोस्टिक सेंटर्स। आपके अभी सर्टिफिकेशंस क्या क्या हैं? We qualified all the product safety clinical trials and also the Indian medical regulation body CDSCO. But USFDA नहीं है? USFDA and CE they both are in process. You've raised money you said before this? Yes, हम लोगों ने पहले bootstrap किया initial 4 years. We have been funded by a lot of incubators money, government grants and all. So almost हम लोगों ने 75 lakhs वहाँ से raise किया था। उसके बाद दिस ईयर इन द वेरी फर्स्ट मंथ वी डिड 25 lakh ऑफ एंजल राउंड एंड वी रिसेंटली क्लोज अ राउंड ऑफ अबाउट 3.5 करोड़। फॉर दिस वन आई एम कंसिडरिंग इट एज अ प्री इट्स अ ब्रिज राउंड बेसिकली बिफोर वी क्लोज एनी फ्यूचर राउंड। एंड 3.5 किस वैल्यूएशन में क्लोज किया आपने? पोस्ट मनी 20 crore। अभी रेवेन्यू कितना है आपका? ऑलमोस्ट 1 crore। कहाँ जा रहा है 4 crore रुपया? आपको पैसे की जरूरत क्यों पड़ गई? दिस मनी इज अबाउट टू कम, दिस इज नॉट लाइक इन द बैंक राउंड अभी तो। और आपको क्यों चाहिए? सो बेसिकली हम लोग जैसे अभी सर बात कर रहे थे USFDA, सो USFDA इटसेल्फ टेक अ लॉट ऑफ मनी, बिग पोर्शन गोज टू द सर्टिफिकेशन ओनली। सेम हैपेंस विद CE। इफ वी वांट टू प्रिपेयर टू हिट द इंटरनेशनल मार्केट इन फ्यूचर, सो वी हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग टुडे
एंड दैट इज द एडिशनल मनी विच इज गोइंग देयर अपार्ट फ्रॉम द इंडियन एक्सपेंशन. आप सबने अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर लिया है, तो डॉक्टर बिंद्रा से एक बार एनालिसिस ले लेते हैं कि स्पंदन को आप बड़ा बिजनेस कैसे बना सकते हैं. डॉक्टर बिंद्रा. धन्यवाद रजत जैन, बधाई आपको. और 18 महीने में आपने बहुत अच्छा काम किया. देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी दैट द इन्वेस्टर्स विल लाइक टू पार्टिसिपेट विद यू, करना चाहेंगे. इसी डिवाइस आपने 8,000 रुपये में बनाया, जो कि क्लिनिक्स को, कार्डियोलॉजिस्ट को, टेलीमेडिसिन में और हार्ट पेशेंट्स को आप देने का प्रयास करते हैं. 12 लीड्स का है जो कि इफेक्टिव है. प्रधानमंत्री मोदी ने आपको रिकॉग्नाइज किया मल्टीपल टाइम्स. 99.7% आपकी एक्यूरेसी है, 15 सेकंड में रिजल्ट दे देता है. भारत में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि 275 लोग हर 1,00,000 में उनका देहांत हो रहा है, उनको मिल नहीं रही है राइट फैसिलिटीज़ के लिए. 2 करोड़ लोग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के कारण मारे जाते हैं और पूरे विश्व में, जिसमें से 20,00,000 केवल इंडिया के अंदर उनका देहांत हो जाता है. अगर ये अफोर्डेबल तरीके से पहुंच सकता है, अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, अवेलेबल, तो देयर इज अ ह्यूज इम्पैक्ट इन दिस. तो मुझे ऐसा लगता है कि प्राइस पॉइंट आपका काफ़ी रीजनेबल है. 2 साल की आप वारंटी देते हैं, फ्री रिप्लेसमेंट भी करते हैं आप. और मैं जब इसको थोड़ा स्टडी कर रहा था, मैंने देखा कि 5,000 से 6,000 ECG प्रिंट भी दे देता है. दैट्स द लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट, राइट? तो वो अच्छा लगा देख के. पेटेंट आपने कुछ अप्लाई किए हैं, कुछ और अप्लाई करने वाले हैं, और मुझे लगता है कि 2,50,000 डॉक्टर्स आने वाले समय में वो उसको जरूर ले सकते हैं. दैट्स द पोटेंशियल मार्केट जो मुझे समझ में आती है. कांग्रेचुलेशंस आपको. कुछ बहुत ज़्यादा मुझे आपको नहीं कहना है, बहुत ज़्यादा आप ऑलरेडी कर चुके हैं. सेल्स के नए चैनल आपको बिल्ड करने हैं और एक्सपोर्ट चैनल्स आपको बिल्ड करने हैं. कस्टमर को एनेबल करना है, अगर वो इसमें भी अगर वो कुछ लोन ले सके और कुछ NBFCs के साथ पार्टिसिपेट कर सके. मेजर इन्फ्लुएंसर्स को यूज़ किया जा सकता है. कस्टमर को एजुकेट करने पे काम करना है. अब आप जो रेस करने जा रहे हैं, इसमें आप डिस्काउंट दे रहे हैं नेक्स्ट वैल्यूएशन पे 20%. तो आई थिंक यहाँ पे इमीडिएटली नेक्स्ट वैल्यूएशन पे आपके इन्वेस्टर्स को बहुत अपसाइड नहीं मिलेगा. तो उसी के लिए अब मुझे लगता है कि वो कोई ना कोई नेगोशिएशन का तरीका ढूंढेंगे. बट बहरहाल आपको बहुत बहुत बधाई, लॉट ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू फॉर बिल्डिंग दिस इनोवेटिव प्रोडक्ट. अब आपके और इन्वेस्टर्स के बीच में है. बहुत बहुत धन्यवाद. यथा इच्छसी तथा करूँ. थैंक यू. जैसे कि डॉक्टर बिंद्रा ने कहा कि इट्स बिटवीन नाउ द स्टार्टअप एंड द हॉर्सेस, सो आई विल कट अक्रॉस स्ट्रेट टू मोहित. कैन वी स्टार्ट विद यू, येस और नो? ये मेरे लिए डायरेक्ट नॉन कॉम्पीट हो जाएगा. मेरे फंड के पोर्टफोलियो में इनके कॉम्पिटिटर हैं, तो मेरे लिए क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इसलिए मेरे लिए ना है. Suraj. I'm still in the edge, so I'll wait for the others. I'm still wondering. I know it's a device which should be in every house like an oximeter. Yes. Let me just hear the other question, then we can take a call. Okay. Aarti. I'm still deciding. I'm still on the edge. Okay. Mandar. ये स्टार्टअप बहुत ही अर्ली स्टेज में, अभी इंडिया का मार्केट ही इतना बड़ा है कि आप एक्सपोर्ट की अभी तो आपको सोचना भी नहीं चाहिए एक साल के लिए. अपार्ट फ्रॉम फंड्स मेरी कोई वैल्यू नहीं है एक्चुअली, तो मैं आई विल बी आउट. सो मेडिकल डिवाइसेस जो हैं वो ऑब्वियसली जो डिलीजेंस हुआ होगा इसका टेक्निकल और जो कंपटीशन के जो रिजल्ट्स हैं उसके देखे बिना आई डोंट वांट टू डिसाइड और कमिट एनीथिंग. बट ऑफ द पोस्ट द शो इफ आई फील दैट योर डिवाइस इज बेटर देन व्हाट इज अवेलेबल इन द मार्केट एज कंपटीशन, आई वुड बी हैप्पी टू कम ऑन बोर्ड. All right. दो हॉर्सेस हमारे अभी डिसीजन ले रहे हैं, उसी बीच आपको एक से अश्योरेंस एटलीस्ट ये मिला है कि आप पे नज़र बनी रहेगी एंड देर इज़ होप एंड स्कोप. सो सूरज, आरती, क्या मैं वापस आपके पास आऊँ? क्या आपने डिसीजन ले लिया है? आई सी इट एज अ ग्रेट इम्पैक्ट मेकिंग प्रोडक्ट. मतलब देर इज अ लॉट ऑफ NGOs आई वर्क विद वेयर लाइक यू नो दिस इज द नीड. जो CHC लेवल हॉस्पिटल्स हैं उनके पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. सो देर आर लॉट ऑफ नेटवर्क्स विच वॉन्ट टू काइंड ऑफ अपग्रेड दीज हॉस्पिटल्स एंड दिस इज द परफेक्ट प्रोडक्ट देर. सो आई सी अ ग्रेट नीड फॉर देर. सो वुड बी हैप्पी टू जस्ट कम इन एज अ मेंटोर एंड हेल्प यू आउट फॉर दैट एज वेल. श्योर, वी विल डिस्कस ऑफलाइन. ठीक है, सुपर, ग्रेट, थैंक यू सो मच. But for my understanding and my viewers' understanding, please help us understand. So is it a deal done or a mentor relationship that you're building? Nisha, matlab it's not a monetary deal, but we'll come in as advisors and depending on what we decide. आम सहमति पे कि वो इनको मेंटर मानते हैं, कितने प्रतिशत इनको इक्विटी देते हैं, दे सकते हैं और वो इनको मंजूर है और इनके क्या डिलीवरेबल्स होंगे वो इस शो के बाद ये डिस्कस करेंगे. ये अभी डील हुई नहीं और मैं कंपटीशन देखूंगा
उसके बाद मैं आपके साथ बात डील नहीं हुई है, क्योंकि डील हम मानते हैं जब इन्वेस्टमेंट के लिए राजी हो जाते हैं हमारे हॉर्सेस, लेकिन आप खाली हाथ नहीं जा रहे हैं, आपके साथ मेंटोर जुड़ गए हैं दो हमारे हॉर्सेस जो आपको आगे गाइड करेंगे. सो आई थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर यू. कंग्रेचुलेशंस, उम्मीद है आप अपना बिजनेस बड़ा बिजनेस बना सकें, और क्योंकि आप बहुत हेल्पफुल चीज़ बना रहे हैं हेल्थ सेक्टर में. विश यू ऑल द बेस्ट, ग्रेट लक अहेड. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू. इससे पहले कि मैं हॉर्सेस की तरफ आऊं, डॉक्टर बिंद्रा से एक बार बात करना चाहेंगे हम सभी रादर, क्योंकि हॉर्सेस टेबल एक ऐसा प्लेटफॉर्म साबित हुआ है जिसने मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट करने वालों के प्रति भी एक नया पर्सपेक्टिव हमारे ऑडियंस को यकीनन दिया होगा, क्योंकि ना सिर्फ सभी इन्वेस्टर के तौर पर नजर आए बल्कि एडवाइज़र, गाइड और उनकी उंगली पकड़ कर आगे लेके चलने के लिए तैयार नजर आए. ठीक बात है, धन्यवाद. हमारे 8 एपिसोड अब संपूर्ण हुए और मैं विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि जितनी जनता अब हमारे प्लेटफॉर्म पे इसको देखेगी, टेलीविजन पे देखेगी, सोशल मीडिया पे देखेगी, ये सारी की सारी जनता को ये समझ में आ जाएगा कि इन्वेस्टर सोचता कैसे है और मुझे अपने स्टार्टअप की तैयारी कैसे करनी है. यहाँ वो आते हैं तो उनको बड़ा नेटवर्क भी मिलता है, लोगों से मिलने को सीखने को मिलता है, पिच कैसे करना है मुझे, नेगोशिएट कैसे करना है, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग कैसे रखनी है, मेरे लिए क्या वैल्यूएशन ठीक रहेगा, मुझे कितना देना चाहिए, कितना मांगना चाहिए, किस तरह के बिजनेस आइडियाज चलते हैं, कौन से बिजनेस आइडिया फ्लॉप हो जाते हैं, मेरे लिए कौन सा इन्वेस्टर अच्छा होगा, कौन स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर है जिसको यहाँ पे शो में कई दफा बात किया गया, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की या स्मार्ट कैपिटल की, तो ये कैसे वो बिजनेस ग्रोथ के लिए बड़ी पार्टनरशिप मिलेंगी, ये तो पक्का है कि भाई सबको बहुत सीखने को मिला होगा. ओवरऑल मैं बताता हूं कि ये एक बड़ा एक एसेट बिल्ड हुआ है और इस एसेट का आरओआई आने वाले कई सालों तक मिलता रहेगा. थैंक यू सो मच डॉक्टर बिंद्रा. हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे स्टार्टअप्स अपने बिजनेस को बड़ा बिजनेस बना पाएंगे इस शो के जरिए. थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए. धन्यवाद. अब मैं हॉर्सेस की तरफ आना चाहूंगी. सो बहुत एनरिचिंग महसूस हुआ और मुझे यकीन है ऑडियंस को भी समझ में आया होगा कि इन्वेस्टर के पास दिल भी होता है और वो धड़कता है और वो दिल से भी फैसले लेता है. मोहित, काफी यूनिक एक्सपीरियंस रहा हम सबके लिए, स्टार्टअप्स के लिए. ऑफकोर्स यू नो 19 साल के बच्चों ने भी आकर हमको पिच किया था. बहुत डाइवर्स रेंज ऑफ स्टार्टअप्स, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स आए, बहुत डाइवर्स बैकग्राउंड से. कोई हिंदी बोल पा रहे थे, कोई नहीं बोल पा रहे थे. लैंग्वेज सडनली हिंदी, कोई बात नहीं, यूज्ड टू लैंग्वेज, लैंग्वेज आप इंग्लिश हिंदी मिक्स भी बोल सकती हैं. सबके पास उतना ही एंथुसियाज्म था कि हम बस पिच करेंगे अच्छे से और घर जाएंगे अपनी उम्मीदों को, हौसलों को और पैसे लाकर यू नो फ्लाइट देने के लिए. आई थिंक ये एक बहुत बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है. स्टार्टअप जो है आते हैं, डेफिनेटली लर्न करते हैं. जो लोग देखेंगे, दर्शक देखेंगे, वो बहुत लर्न करते हैं कि कैसे क्या यू नो चीज़ें हो रही हैं, कैसे आप डील स्ट्रक्चर करते हो. सो मिस करेंगे बहुत. हम खुद इंस्पायर हो रहे हैं, हम खुद सीख रहे हैं कि क्या हो रहा है. ये हिंदुस्तान है. जो हमने बीच में एक बार बात की थी कि हिंदुस्तान की स्टार्टअप इकोसिस्टम कैसे बढ़ रही है, तो ये सब हमको दिखाई देता है. अ मैजिकल एक्सपीरियंस, ग्रेट लर्निंग अपॉर्चुनिटी. बहुत कुछ सीखा, बहुत स्टार्टअप्स देखे, उनसे सीखा, एक अपॉर्चुनिटी मिली कि उनके लिए मेंटोर बन सके, उनमें इन्वेस्टमेंट कर सके, एंड बाकी सह को इन्वेस्टर्स से भी बहुत कुछ सीखा. यू नो थोड़ी हिंदी की प्रैक्टिस भी ज़्यादा हो गई. टोटल 12 करोड़ का ट्रांजैक्शन कमिट हुआ है ऑन हॉर्सेस टेबल. बहुत बहुत मुबारक है आप सबको, क्योंकि आपको जिम्मेदारियां आपकी बढ़ गई हैं, कुछ स्टार्टअप आप सबके साथ जुड़ गए हैं. तो मुझे लगता है क्रेडिट कहें सबसे ज्यादा महावीर जी को जाता है, क्योंकि ये कुछ ना कुछ करते थे. अगर लगता था ना कि हाँ इसमें है, तो ये जल्दी से एटलीस्ट मोहित को तो इशारों इशारों में मना लेते थे. महावीर जी, मेरे को बहुत खुशी है कि इतना हम लोगों के बीच में ऐसी बॉन्डिंग हो गई है कि कहीं पे भी हमारा एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत बहुत अच्छी हो गई है. एंड आई थिंक हम ये एक शुरुआत है जी. एक बहुत बढ़िया इस प्लेटफॉर्म ने क्या क्रिएट किया है. एक तो सबने बोला स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन मिलेगा, इन्वेस्टर्स को प्रोत्साहन मिलेगा, एंड मुझे लगता है कि इसके आगे जीत है, क्योंकि जो जीता वही सिकंदर. और जैसे मोहित ने कहा है कि इस फील्ड में भयंकर ग्रोथ है. ऑन दैट नोट मुझे लगता है अब वो घड़ी आ गई है
जिसका हमें इंतज़ार नहीं था, क्योंकि अब शो ख़त्म करने का वक्त हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम ऑडियंसिस का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बड़ा बिजनेस प्रेजेंट्स हॉर्सेस स्टेबल। जो जीता वही सिकंदर। काबू है मंजिल तेरे रूबरू है कोशिशों की रफ्तार तेरे जैसे हूबहू है दोस्त तेरा बेकाबू है मंजिल तेरे रूबरू है कोशिशों की रफ्तार हूबहू है।